हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका मेन सर्डे सीरीज़ में। आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है, उसको बनाने के लिए, उसके ट्रैक्स को ले करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 54,000 मैंग्रोव्स वुड बी रेस्ड। ठीक है, सो बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत हाई कॉस्ट है, कि मैंग्रोव्स दे हैव वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इसको मैंग्रोव्स को नहीं हटाना चाहिए हमें। ठीक है, सो लॉट ऑफ डिबेट हैज़ बीन गोइंग ऑन, दैट इज़ द डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट, राइट? ओके, सो इस कारण हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, आपको मैंग्रोव्स के फंक्शंस बताने हैं, उसका सिग्निफिकेंस बताना है, ऑल्सो इनुमरेट द वेरियस थ्रेट्स दैट दे आर फेसिंग, राइट? सो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो ऑब्वियसली आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैंग्रोव्स होते क्या हैं उनके बारे में बताएंगे, देन यू विल यू नो टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, then you will talk about the threats and finally you will talk about the way forward. तो ये हमारा structure रहेगा। So in the introduction you can tell what mangroves are actually, ठीक है, उसमें आप बता सकते हैं कि mangroves they are incredibly productive coastal ecosystems या coastal wetlands, ठीक है, found in the tropic and subtropical areas. और अगर जो current assessment है हमारे देश में mangroves की, तो वो बताती है कि हमारे देश में approximately 4900 square kilometers of mangroves are present, which is just 0.51% of the total geographical area of the country. So this is according to the census 2011. तो उसमें जो area था वो इतना था, तो ये obviously आपको इतना area याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ approximate याद कीजिए या परसेंटेजेस में याद कर लीजिए कि 4900 स्क्वायर किलोमीटर्स इज़ द एरिया ऑफ द मैंग्रोव्स और 0.15% इज़ द एरिया विच इज़ इफ़ वी कंपेयर इट विद द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इट इज़ जस्ट 0.15%। और सिंस ये हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, ठीक है, ISFR, वो 2015 में आई थी, फिर अभी 2017 में आई थी, दो सालों में एक बार आती है, तो 2017 के स्टार्ट्स हैं ये, ठीक है। और अगर हम 2015 से 2017 की कंपेयर करें, तो वो बताते हैं 181 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही कम इंक्रीज़ हुआ है मैंग्रोव्स में, ठीक है। उसको भी हम क्वेश्चन करते हैं कि जो ये इंक्रीज़ हुआ भी है, ये भी कुछ अगर आप इसमें खुश नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, वो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये आप इसमें ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देन अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो सिग्निफिकेंस में पहले है इकोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। इकोनॉमिक फंक्शंस क्या हैं? सो दे आर नोन फॉर देयर डिफरेंट लुकिंग रूट्स दैट पोक अप इन एयर फ्रॉम द शैलो वाटर। अगर आपने मैंग्रोव्स की पिक्चर देखी हो, तो इनके जो रूट्स होते हैं ना, वो ऐसे बाहर निकलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली अगर हम इसका थोड़ा बड़ा देखें, तो दीज आर हैविंग सर्टेन यू नो होल्स, इनको हम ये रूट्स को हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स जो न्यूमा ऐसे आप ले लीजिए, ये जो वर्ड होता है, ये एयर लंग्स वगैरह से रिलेटेड होता है, जैसे निमोनिया भी लंग्स की बीमारी है ना। सो ये इनको, क्योंकि यहाँ पे सिलाइन है, इनकी जो रूट्स हैं दे आर टोटली यू नो सबमर्ज्ड इन वाटर, सो ये जो रूट्स जो बाहर निकलती हैं, दीज आर दी वन विच हेल्प देम इन रेस्पिरेशन इन दी एयर एक्सचेंज, ठीक है। सो ये इनकी एक अडेप्टेशन है, बिकॉज दे आर फाउंड इन एरियाज विच आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। सो अमंग द मेश्ड वेब्स ऑफ रूट्स, अब ये जो मेश्ड वेब्स होती है ना, अगर मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखाऊँ, तो जैसे ये हमारे पास एक, ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव्स बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये छोटे छोटे इसके रूट्स हैं, इन्हीं के रूट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ना नर्सरीज होती हैं, फ़िश नर्सरीज होती हैं, फ़िशेस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो जो लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, दे मेक अ लिविंग फ्रॉम द मरीन लाइफ इन एंड अराउंड द मैंग्रोव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको मरीन स्पीशीज़ मिलते हैं, द लोकल पीपल दे कैच देम फ्रॉम देयर एंड दे सेल देम, ठीक है। उनकी एक तरह से लाइवलीहुड का सोर्स है
है ये मैंग्रोव्स। देन जो मैंग्रोव की कुछ स्पीशीज़ है ना, फॉर एग्जांपल सुंदरी, जिससे कि सुंदरबंस नाम भी पड़ा है, जहाँ पे कि इंडिया के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आपको सुंदरबंस में मिलेंगे, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है सुंदरी। ये जो सुंदरी ट्री है ना, इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स एंड ब्रिजेस, राइट? सो दिस इज़ द इकोनॉमिक फंक्शंस दैट द मैंग्रोव्स दे आर प्रोवाइडिंग, राइट? उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब जो मैंग्रोव्स हैं ना, दे फिल्टर एंड ट्रैप द सेंडिमेंट फ्रॉम द रन ऑफ, ठीक है, एंड द रिवर वाटर बिफोर इट रीचेस द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स। अब ये क्या करते हैं, जैसे उनकी रूट्स हैं बाहर हैं और ये खुद भी काफ़ी डेंस होते हैं ना मैंग्रोव्स, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ना उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं, तो जो पानी दूसरे इकोसिस्टम्स में जाएगा वो फिल्टर्ड होगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन और फिल्टरेशन ऑफ वाटर। देन उसके बाद टर्बिडिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस करते हैं। टर्बिडिटी ऑफ वाटर होता है जो पानी थोड़ा वाइटिश सा होता है, टर्बिड होता है, उसको भी रिड्यूस करते हैं ये। उससे क्या होता है कि जो टर्बिड कम हो जाता है तो लाइट है वो पेनीट्रेट कर पाती है। जैसे ऊपर वाला पानी अगर टर्बिड होगा तो लाइट पेनीट्रेट नहीं कर पाएगी ना, लाइट यहीं पर अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर पानी क्लियर होगा तो लाइट पेनीट्रेट कर पाएगी। तो ये जो मैंग्रोव्स हैं ये फिल्टरेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एक तो वाटर प्योरीफाई होता है, उसकी टर्बिडिटी भी रिड्यूस होती है, विच हेल्प्स द लाइट टू रीच द डीपर इकोसिस्टम्स, राइट? उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स फ्रॉम द कोस्टल इरोजन। अब जो मैंग्रोव्स हैं ना, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द कोस्टल इरोजन। देखो, अब कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि अब जैसे जो कोस्ट है ना, सपोज ये कोस्ट है और यहाँ पे आपका समुद्र है ना, या तो आप यहाँ पे इम्बैंकमेंट्स बना दो। इम्बैंकमेंट्स होते हैं ना रेस्ड एरिया, है ना, कि जो अगर पानी यहाँ पे आना पाए और जो सॉइल है यहाँ से वो अगर उसको जाना है तो उसको ऐसे इम्बैंकमेंट से होके जाना पड़ेगा, है ना। तो इम्बैंकमेंट्स अगर आप बड़ी बड़ी बना दोगे तो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं वो उनका जो इरोजन है वो नहीं होगी। अगर यहाँ पे इम्बैंकमेंट्स नहीं होगी तो सीधा पानी ले जाएगा, है ना। सो इसलिए या तो आप इम्बैंकमेंट्स बना देते हो या फिर मैंग्रोव्स प्रिवेंट करते हैं। अब ना इसको ये कहा जाता है कि येस, दे हेल्प इन रिटार्डिंग द कोस्टल इरोजन एंड दे आर अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन बिल्डिंग एक्सपेंसिव इम्बैंकमेंट्स, ठीक है। इसका ये कारण दिया जाता है कि जो कोस्टल एरियाज़ में अगर आपके मैंग्रोव्स हैं, एक तो वो कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं, नेचुरली प्रिवेंट कर रहे हैं, और जब पानी इन एरियाज़ में आ गया, जैसे ये हमारे पास कोस्टल एरियाज़ है, यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, है ना, तो पानी इधर आएगा, फिर जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, लो टाइड होगी, पानी वापस चला जाएगा, है ना। अगर आपने इम्बैंकमेंट्स बनाई है ना तो पानी अंदर तो फिर भी आ जाएगा अगर ज़्यादा पानी का लेवल रेस हो गया, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, वो यहीं पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मैंग्रोव्स हैं वो बेटर ऑल्टरनेटिव हैं इन प्रिवेंटिंग द कोस्टल इरोजन कंपेयर्ड टू द इम्बैंकमेंट्स, और ऊपर से इम्बैंकमेंट्स बनानी भी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंग्रोव्स को बेटर ऑल्टरनेटिव कहा जाता है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग एंड कंसोलिडेटिंग सिल्ट, ठीक है, सिल्ट की भी बनाने में उसको हेल्प करते हैं, विच फर्दर यू नो हेल्प्स टू प्रिवेंट द कोस्टल इरोजन, राइट। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो एक्ट एज बैरियर टू द डिज़ास्टर्स। इनको ना शॉक अब्जॉर्बर कहा जाता है, कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे शॉक अब्जॉर्बर कहा जाता है, कुशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास ना स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, जब पानी अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ द यू नो विंड्स और साइक्लोन्स होते हैं तो पानी अंदर आ जाता है, ठीक है, सुनामीज होती हैं तो पानी अंदर आएगा, तो ये ना एक तरह से पहला एक ब्रेक एक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाऊँ ना, सो कोरल रीव्स हो गया, मैंग्रोव्स हो गया ना, इनको कोस्टल डिफेंसेस भी कहा जाता है। जैसे अगर आप डायग्राम में देखो, ये पानी अंदर आ रहा है तो मैंग्रोव्स ने ना ब्रेक कर दिया, जो वेव की एनर्जी थी उसको ब्रेक कर दिया, कुछ उसको अब्जॉर्ब कर लिया, एक्टिंग एज अ कुशन, ठीक है, एक्टिंग एज अ शॉक अब्जॉर्बर। तो जो पानी यू नो ये कोस्टल कम्युनिटीज़ में जा रहा है ये थोड़ा कम है। अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे, ठीक है, कोरल रीव्स नहीं होंगे, तो डायरेक्टली जो पानी है ना डिस्ट्रॉय कर देता है जो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज़ होती हैं। इसीलिए इन्हें मैंग्रोव्स को या फिर कोरल रीव्स, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे एक्ट एज बैरियर टू द डिज़ास्टर्स, ठीक है। इनको शॉक अब्जॉर्बर्स, कुशन कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। सो मैंग्रोव्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ह्यूमंस प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज़ फ्रॉम द मेजर स्टॉर्म्स, ठीक है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज राइजिंग
टेम्परेचर्स के बारे में है, उससे सी लेवल राइज़ होगा, और उसके बाद जो डिज़ास्टर्स है उनकी कहा जा रहा है कि उनकी फ्रीक्वेंसी दैट इज़ नंबर, कि जितने डिज़ास्टर्स लेट से पहले आते थे उससे ज़्यादा आएंगे अब और ज़्यादा इंटेंस आएंगे, इसलिए वी हैव टू यू नो प्रिपेयर आर सेल्व्स। और वहाँ पर इस वजह से कहा जाता है कि मैंग्रोव्स को हमें जो है प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो डिज़ास्टर्स हैं वो आते ही रहेंगे। और जो मैंग्रोव की रूट्स होती हैं या मैंग्रोव्स होते हैं, दे कैन ब्रेक अप द फोर्स ऑफ अ स्टॉर्म सर्ज, और बेसिकली ब्रेक करते हैं और जो उसकी एनर्जी होती है उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो इम्पैक्ट है कोस्टल कम्युनिटीज़ पे वो कम होता है। ठीक है, दे फॉर्म अ बैरिकेड, जो मैंग्रोव्स हैं ना दे फॉर्म अ बैरिकेड अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ सेलाइन वाटर, दे एक्ट एज विंड ब्रेकर्स एक्ट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ होती है ना मोस्टली वो लो लाइंग एरियाज़ में होती हैं। ठीक है, तो अगर पानी आएगा ऐसे ही डायरेक्टली आ गया तो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हो सकता है अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा। तो ये एक डेटा भी बताता है कि लॉसेस पर साइक्लोन, ठीक है, फॉर एरियाज़ विथ 6 meters ऑफ मैंग्रोव्स पर मीटर ऑफ कोस्ट लाइन वर डबल देन, जो कि ज़्यादा मैंग्रोव से प्रोटेक्टेड थे, लेट्स से उनका जो मैंग्रोव्स थे वो 25 meters पर mm ऑफ मैंग्रोव्स थे, तो वहाँ पे जो लॉसेस थे वो हाफ थे। ठीक है, सो ये आप इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कि प्रोटेक्शन ऑफ द लो लाइंग एरियाज, दिस इज़ ऑल्सो यू नो एक मैनिफेस्टेशन है, दूसरे जो ऊपर वाला पॉइंट है उसी की ही आप अलग से भी लिख सकते हैं, उसमें मर्ज भी कर सकते हैं। देखो, स्टॉर्म सर्जेस एंड फ्लडिंग फ्रॉम साइक्लोन्स दे डिपॉजिट सॉल्ट्स, ठीक है, ऑब्वियसली अगर फ्लडिंग जो है वो ज़्यादा होगी अगर मैंग्रोव्स नहीं है तो, ठीक है, और सॉल्ट्स भी ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, तो इस केस में क्या है, इवन अ स्मॉल rise in sea level can be disastrous अगर mangroves present नहीं है to buffer the impact of the sea level rise। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश में जो rice agriculture है, rice की या paddy की cultivation होती है वो impossible हो गई है, क्योंकि जो fields हैं they are flooded with sea water। ठीक है, सो दैट इज़ दी रीज़न के जो मैंग्रोव्स हैं वो लो लाइंग एरियाज़ को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मैंग्रोव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम साइक्लोन्स ऑल्सो रिड्यूसेस लॉन्गर टर्म डिटीरियोरेशन ऑफ द लो लाइंग इनलैंड एरियाज़। ठीक है, तो जो लो लाइंग इनलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑब्वियसली सी वाटर आता ही रहेगा क्योंकि दे आर लो लाइंग, तो मैंग्रोव्स एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज़, तो अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो उनकी जो लॉन्ग टर्म डिटीरियोरेशन है वो होती ही रहेगी। आप इसको बांग्लादेश के एग्जाम्पल से भी कोरोबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद रोल इन क्लाइमेट चेंज ये है कि मैंग्रोव्स जो है ना दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स वॉट इज नोन एज ब्लू कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम एटमोसफेयर। ठीक है, नाउ दे कवर जस्ट 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट। ठीक है, इतना कम इनका जो नंबर है इतना कम है, लेकिन 10-15% ऑफ जो भी ब्लू कार्बन है या कोस्टल एरियाज में जो कार्बन कैप्चर हो रहा है उसमें ये 10-15% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इनका जो एरिया है जस्ट 0.5% है ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट। ठीक है, सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वॉज द डायग्राम। देन सिंस द थ्रेट्स वर ऑल्सो आस्ट फॉर, सो वी विल राइट द थ्रेट्स ऑल्सो। सो दे आर यू नो मैंग्रोव्स को हम कहा जाता है मोस्टली जो थ्रेट है इनको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से है जो कि कोस्टल एरियाज़ में हो रही हैं। अब उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन आ जाती है, टूरिज़म है, टूरिज़म की वजह से वेस्ट आता है जो कि डेट्रीमेंटल है मैंग्रोव्स के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द पल्यूशन जो कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो बनती हैं, या फिर जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं जो वो अपना सीवेज या एफ्लुएंट डिस्चार्ज करती हैं वो डैमेज कर सकता है मैंग्रोव्स को या करता है। और उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग, फिर इनके जो पेड़ हैं, जैसे कि हमने देखा कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा देवर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोट्स एंड ऑल, वुड्स वर यूज, तो वुड हार्वेस्टिंग अगर कमर्शियल लेवल पे होगी तो वो और भी ज़्यादा मैंग्रोव्स के लिए खतरनाक है। सो इट वॉज़ रिसेंटली रिपोर्टेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 54,000 मैंग्रोव्स विच आर स्प्रेड ओवर 13.5 or 14 hectares दे विल बी क्लियर फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर। अभी इसका जो नंबर है अभी जो बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट एंड ऑल, तो अभी कहा जा रहा है कि 30,000 odd would only be raised।
ठीक है। उसके बाद कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि पिछले 30 सालों में 40% ऑफ द मैंग्रोव्स इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया दे हैव बीन कन्वर्टेड टू फार्मलैंड्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज, ठीक है। और 35,000 हेक्टेयर्स हैव बीन लॉस्ट टू श्रिम्प फार्मिंग, ठीक है। तो वही है कि एक्वा कल्चर होता है या हमारे पास एग्रीकल्चर है, दीज आर द रीजन्स वाई मैंग्रोव्स आर अंडर थ्रेट। उसके बाद ना एक पॉइंट जो हमेशा आप लिख सकते हैं वो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है कि मैंग्रोव्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इग्नोरेंस भी होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। उसके बाद जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट हो गया, सेंटर हो गया, और डिफरेंट लोकेशंस हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। कुछ जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ठीक है, सो दे आर प्रमोटिंग श्रिम्प फार्मिंग और एग्रीकल्चर और टूरिज्म, वेयर इज वी नो दैट इट इज़ यू नो नॉट गुड, है ना। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है, इवन गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं में ही कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है, उस वजह से भी नुकसान मैंग्रोव्स का होता है। और उसके बाद एक और जो चीज़ है वो ये है कि स्कैटर्ड हैं मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी इनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अभी जैसे कि जो 2017 की रिपोर्ट है FSIA की, तो उसमें कहा गया कि जो कंट्री का मैंग्रोव कवर है वो 181 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा बिटवीन 2013 एंड 2017, बट दिस स्टेटिस्टिक ऑट टू बी रेड विद क्वेश्चन कॉशन, क्योंकि दो चीज़ें थी, आई एम सॉरी मैंने ऊपर बोल दिया, 2015 से 2017 में 181 बढ़ा है, सो जस्ट मार्केट 2013 और 2017 में है, ठीक है। सो अभी जो काउंट है ये इसलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ना अभी नेसेंट मैंग्रोव प्लांटेशंस कौन सी होती है, जो अभी अभी लगाई गई हैं, ठीक है। अब जो नेसेंट, अब क्या है कि जो पुराने फुल ग्रोन मैंग्रोव्स थे ना, उनको रेज कर दिया जाता है, उनको क्लियर कर दिया जाता है, और जस्ट सो एज टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस आप नए मैंग्रोव प्लांटेशंस लगा देते हो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें यह प्रॉब्लम है कि जो पुराने हैं वो फुल ग्रोन थे, वहाँ पे प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी थी, ठीक है, दे वर यू नो प्रोवाइडिंग यू विद द इकोलॉजिकल फंक्शंस। नए पहले तो फुल ग्रोन होंगे, उसके बाद वो पूरा जो इकोसिस्टम था डेवलप होने में, जैसा कि ओल्ड था उसको बहुत टाइम लग जाएगा, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था ओल्ड मैंग्रोव इकोसिस्टम या फुल मैंग्रोव इकोसिस्टम, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था वो नया मैच ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए एक ये प्रॉब्लमैटिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मोनोकल्चर्स की फॉर्म में लगाया गया है, जैसे जो पुराने मैंग्रोव्स थे ना उनमें सारी बहुत सारी स्पीशीज़ थी मैंग्रोव्स की, इसमें सिर्फ लेट्स से एक स्पीशीज़ है, तो अगेन हम कंपेयर नहीं कर सकते जो पुराने मैंग्रोव्स हैं और नए मैंग्रोव्स हैं, क्योंकि नए मैंग्रोव्स में उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी या वो इतने इकोलॉजिकल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएगा जैसे कि ओल्ड कर रहे थे, और मोनोकल्चर्स भी हैं, ठीक है। सो एक तो ये है, इसीलिए वी शुड नॉट बी सो हैप्पी अबाउट द इंक्रीज एंड वी शुड कंसिडर देम अंडर थ्रेट ओनली। और दूसरा ये है कि सिर्फ 40% ऑफ इंडिया, जो 40% ऑफ इंडियाज मैंग्रोव कवर है वो ओपन और स्पार्स है, जैसे कि हमारे पास वेरी डेंस मैंग्रोव कवर है वो कम है, और ज़्यादातर आपका ओपन और स्पार्स है, और वो इतने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता, तो वी नीड टू इंक्रीज द मैंग्रोव कवर, ठीक है। सो यहाँ मतलब वेरी डेंस या डेंस मैंग्रोव हमें वो ज़्यादा करने हैं रादर देन ओपन एंड स्पार्स, ठीक है। सो ये दो डिस्क्लेमर्स हैं जो कि आप बता सकते हैं कि चाहे आप कहें कि 181 इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये दो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सो वी नीड अ होलिस्टिक एंड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना। अब पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो किस लिए कि एक तो आप प्लांट करो मैंग्रोव्स को, और पोस्ट प्लांटिंग मॉनिटरिंग भी करो, देन यू नीड टू इंक्रीज द पीपल अवेयरनेस, है ना। अब वो कैसे आप कर सकते हैं, थ्रू फिल्म्स, एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर्स, कुछ भी स्टडी टूर्स, है ना, वो करके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैंग्रोव पार्क्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ मैंग्रोव कॉन्जर्वेशन डे, ठीक है। देन इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है उनमें जो गैप है, कि पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना देती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं हो पाती, तो जो पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन में गैप है इसको हमें नैरो डाउन करना है, ठीक है, तभी हम एक तरह से प्रमोट कर पाएंगे। इसमें आप जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है ना उसकी भी बात कर सकते हैं कि वी शुड एक्चुअली मोर एक्टिवली परसू जो हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर है और एक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, ठीक है, इससे हम लर्न कर सकते हैं, वी कैन लर्न एग्जांपल्स फ्रॉम दीज कोलैबोरेशंस, ठीक है, कि कैसे मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट किया जाए। दीज ऑल यू कैन राइट इन वे फॉरवर्ड। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट्स नीड टू
बी एबल टू एक्ट यूजिंग जनरल प्रिंसिपल्स दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू ग्रेटर मेजॉरिटी ऑफ लोकेशंस फॉर विच देर आर नॉट द रिसोर्सेज फॉर लोकल स्टडीज़. अब देखो मैंग्रोव्स काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड हैं ना, अलग अलग जगहों पे हैं, तो अब गवर्नमेंट को ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप करने चाहिए कि जहाँ पे ये हर जगह पे रेप्लिकेट हो सके. ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है कि आप लोकल स्टडीज़ कर सको, वहाँ पे भी जो जनरल प्रिंसिपल्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स हैं वो हो सके, रेप्लिकेट हो सके. रोबस्टली एविडेंस्ड ग्लोबल मॉडल्स सच एज दिस मेक दैट पॉसिबल. ठीक है, सो वी नीड मॉडल्स. अब वही है, क्लॉक इज टिकिंग, दे आर बींग लॉस्ट रैपिडली वर्ल्ड वाइड, है ना, एंड दे आर जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम एंड इकोनॉमीज. अगर हम इनको यू नो प्रोटेक्ट करेंगे तो हम प्रोटेक्ट करेंगे कोरल रीव्स को, सी ग्रास को, क्योंकि टोटल कोस्टल जो अगर हम एक, ये तो है नहीं कि हम सिर्फ मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, तो अगर हम मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम कोरल रीव्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सी मार्शेस, सी ग्रासेस को भी प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, सो ये भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जनरल प्रिंसिपल्स का. देन यू कैन ऑल्सो, या आप इंट्रोडक्शन में ना एक मैप भी बना सकते हैं रफ सा, कि यहाँ पर हमारे पास बांग्लादेश है, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास सुंदरबंस है, फिर उसके नीचे ओडिशा में भितरकनिका है, फिर नीचे तमिलनाडु में पिछावरम है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पर, है ना. सो ऑल दीज आप एक इंडिया का मैप थोड़ा सा बना के ना यहाँ पर ऐसे ये भी बता सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस मेकिंग अ रफ मैप ऑफ इंडिया एंड यू कैन यू नो कॉपी ये वाले जो इम्पोर्टेंट सुंदरबंस बता सकते हैं, भितरकनिका बता सकते हैं, नीचे महानदी है, देन यू कैन टेल अबाउट द पिछावरम बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, देन यू कैन टेल अबाउट द मुंबई अहमदाबाद में जो रेज होंगे. ठीक है, मुंबई में ज़्यादा रेज हो रहे हैं, जो 54,000 है वो मुंबई में रेज होंगे, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर क्वेश्चन. सो वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव गिवन यू विद द इंट्रोडक्शन द सिग्निफिकेंस, देन वी हैव गिवन यू अबाउट द थ्रेट्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द वे फॉरवर्ड, एंड फाइनली द कंक्लूजन. राइट, सो मिलते हैं जल्दी ही. थैंक यू.